इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि जब हम एक नया होम थिएटर कोई लाते हैं तो उसको किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते समय हम कौन कौन सी चीज़ों का याद रखेंगे, वो ही चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। तो ये होम थिएटर जो है मैं इसीलिए ही लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत भाई जो हैं कनेक्ट करने के अंदर जो गलती करते हैं उस गलती के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलती वो सबसे ज़्यादा करते हैं कनेक्ट करते हुए। और उनको दिक्कत क्या होती है कि उनके मोबाइल का जो ऑक्स है जहाँ पर आप हैंड फ्री चलाते हैं अपने मोबाइल के अंदर, उसकी आईसी को ही ख़राब कर लेते हैं। और फिर बहुत भाई कहते हैं कि सर हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर अब हैंड फ्री नहीं चल रही है। तो देखिए इस बॉक्स, इसको मैंने ओपन कर लिया, मैं इसको पूरा बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है और किन किन चीज़ों का याद रखना है जब आप एक होम थिएटर नया लेके आते हैं और किस तरीके से आप कनेक्ट करना कर सकते हैं। तो देखिए बॉक्स के अंदर दोस्तों हमने इसे ओपन कर लिया है और कुछ तरीके से देखिए हमें ये चार सैटेलाइट मिली है इसके अंदर, जो छोटे हमारे स्पीकर होते हैं। ये हमारे देखिए चार बॉक्स मिले हैं हमें, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर आपको मैं इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जरा हम थर्माकोल को साइड कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये सैटेलाइट मिली है, ये देखिए दो हम यहाँ निकाल लेते हैं और दो सैटेलाइट को हम यहाँ रख लेते हैं। ये देखिए ये हमारी सैटेलाइट आ गई हैं। देखिए दो हमारे ये स्पीकर हो गए और दो हमारे ये हो गए और थर्माकोल को हम साइड कर देते हैं। और इसके अंदर दोस्तों ये जो थर्माकोल देखिए इसके अंदर जो लगाई गई है, ये किस लिए लगाई गई है कि जब बॉक्स के अंदर हमारा सेट जो है ट्रांसपोर्ट पे जाता है तो हमारा पैनल इससे नहीं टूटता है, तो इसलिए ये दो या तीन थर्माकोल यहाँ ऊपर की तरफ चिपका दी जाती हैं जिससे कि ये हमारा पैनल ना टूटे, क्योंकि ये प्लास्टिक का पैनल होता है और इसको जो है टूटने से बचाया जाता है। तो अब मैं देखिए इसको जरा थोड़ा बाहर निकाल के और फिर आपको पूरा कंप्लीट करके और बजा के दिखाता हूँ कि इसको कनेक्ट किस तरीके से करना है और कैसे इसको चलाना है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर सबसे चीज़ जो हमें ध्यान देना है वो देना है, देखिए इसके अंदर देखिए हमें यहाँ पर ऑडियो आउटपुट लिखा हुआ होता है। तो ऑडियो आउटपुट का मतलब क्या होता है? तो देखिए ऑडियो आउटपुट का मतलब होता है दोस्तों कि इसके अंदर यहाँ पर हम स्पीकर को लगा सकते हैं, मतलब कि इन चारों के अंदर हम स्पीकर को लगा सकते हैं। और जहाँ पर देखिए हमारा इनपुट लिखा हुआ होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑडियो इनपुट, ये स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पर ऑडियो इनपुट लिखा हुआ है, इन दो के अंदर हम अपना ऑक्स लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से भाई क्या करते हैं कि स्पीकर वाले पॉइंट पे ऑक्स को लगा देते हैं और अपना फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं ऑक्स से चलाने के लिए। इससे क्या होता है कि जैसे ही वो अपने ऑक्स की लीड लगाते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर जो है एसी वोल्टेज आ जाती है स्पीकर के, जब हम स्पीकर को कनेक्ट करके चलाते हैं तो यहाँ पर एसी वोल्टेज आ जाती है और एसी वोल्टेज के आने के कारण हमारा मोबाइल जो है उसके अंदर जो एयरफोन की जो आईसी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें दोस्तों कि जहाँ पर हमें ऑडियो आउटपुट मिला हुआ है लिखा हुआ वहीं पर ही हम स्पीकर चलाएँ। और अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि आपका स्पीकर कौन से के अंदर बजेगा तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक पेन ड्राइव को लगाएंगे और पेन ड्राइव को लगाने के बाद आप सीधा एक स्पीकर को लेंगे और एक एक स्पीकर को लगा के आप चला के देख लेंगे सारे पॉइंटों में कि किस किस के अंदर आपकी आवाज़ आ रही है और उसी हिसाब से आप अपने स्पीकर को कनेक्ट करें। यह हमेशा याद रखें कि जो ऑक्स वाली जो आपकी लीड होती है कभी भी आउटपुट के अंदर ना लगाएं, उससे आपका जो है मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो देखिए अब मैं इसको पूरा कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सी लीड मैंने कहाँ लगाई है। और ये जो हमें एक वायर जो मिलती है, देखिए सिंगल वायर जो ये मिली हुई है, ये हमें एफएम की मिलती है। जैसे हमारा एफएम अगर क्लियर नहीं चलता है तो ये एफएम की लीड हमें मिल जाती है इस तरीके से, और चार बॉक्स मिल जाते हैं। अब इनको मैं पूरे बॉक्स को कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमारा आउटपुट लिखा हुआ होता है वहाँ पर हमें चारों स्पीकर को कनेक्ट करना है। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारी इनपुट होती है वही हमारा ऑक्स होता है, यहाँ पर हम अपना मोबाइल फ़ोन लगा के बजा के चलाते हैं। और ये जहाँ पर हमारा आउटपुट लिखा हुआ होता है वहाँ हमारी स्पीकरों की वायर लगती है। तो देखिए चारों स्पीकर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं
कनेक्ट करने के बाद हमारी जो बाकी बस्ती है, एसी की लीड बस्ती है, इसको अब हम लगाएंगे और इसको बजा के दिखाते हैं कि किस तरीके चलता है। आप हमेशा ही भाई यही याद रखें कि जहाँ पर आपका आउटपुट लिखा हुआ है वहाँ पर कभी भी अपनी ऑक्स की लीड ना लगाएं। अगर ऑक्स की लीड आपने इन पॉइंटों के अंदर लगा दी तो आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर कभी भी फिर हैंड फ्री नहीं चलेगी, क्योंकि ये यहाँ पर एसी वोल्टेज आती है और आपकी आईसी जो है ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का हमेशा याद रखें। अगर आपको ये जानकारी पता है तो मेरी वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करना, और अगर आपको ये जानकारी नहीं पता थी तो मेरी वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सर हमें ये जानकारी नहीं पता थी, आपने ही हमें ये जानकारी दी है। क्योंकि आज तक ऐसी जानकारी कोई भी अपने चैनल पर नहीं देता इन चीज़ों की जानकारी कि होम थिएटर के अगर आउटपुट के ऊपर अगर आप अपना ऑक्स लगा दोगे तो आपके मोबाइल की जो आईसी है वो ख़राब हो जाएगी और उसमें कभी भी हैंड फ्री नहीं चलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर एसी वायर को लगा दिया है। यहाँ पर हमारा जो है हमें एक पावर का स्विच मिलता है, ये देखिए पावर का स्विच है, इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से देखिए इसके अंदर आ गया है। और ये हमारा जो है इसके अंदर अभी एफएम चल रहा है, तो इसके अंदर हम दोस्तों क्या करते हैं पेन ड्राइव को लगा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी पेन ड्राइव में लग चुकी है, और इसके अंदर देखिए मैंने दोस्तों इसके अंदर खाली म्यूजिक डाल रखा है, क्योंकि म्यूजिक डालने से क्या होता है दोस्तों, हमें कॉपीराइट नहीं मिलता है, और अगर हम कोई भी सॉन्ग चलाते हैं तो हमें कॉपीराइट बहुत जल्दी मिल जाता है, तो वो फिर वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो हमारी वीडियो के अंदर फिर वो हमें जो है जो भी सॉन्ग डालते हैं हमें वो कट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने खाली म्यूजिक डाला है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप जो है अपना होम थिएटर को घर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर बस यही चीज़ आपको ज़्यादातर ध्यान देना होता है कि जहाँ पर आपका आउटपुट लिखा होता है वहाँ पर आपको कभी भी ऑक्स नहीं लगाना है, उससे आपका फ़ोन जो है ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी भाई का, मेरे सब्सक्राइबर भाई का फ़ोन ख़राब हो, तो आपको मैंने ये होम थिएटर नया कनेक्ट इसीलिए करके दिखाया कि बहुत भाई यही गलती करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत भाई आ चुके हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हमारा जो फ़ोन है उसके अंदर अब एयरफोन नहीं चल रही है, वो यही गलती कर चुके हैं कई बार कि आउटपुट के ऊपर जो है वो अपना ऑक्स की लीड लगा के और फ़ोन को चला देते हैं और फिर वो उनका फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।